वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई तमिल पैन इंडिया फिल्म यानी कि वलीमे के बारे में, जहां पर अजीत कुमार, हुमा कुरैशी और कार्तिक के स्टारर फिल्म वलीमे एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को जो है आज ही जो है तमिल के साथ साथ तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी में भी रिलीज करवाया गया है, पर हिंदी के जो शोज हैं वो शाम 6 बजे से होने वाले हैं। तो मैंने जो है फिल्म के तमिल वर्जन को विद सबटाइटल्स देखा हुआ है। तो फिल्म जो है तकरीबन 3 घंटे के आसपास की है, जहां पर इस फिल्म को देखने के जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरा ओपिनियन बनता है, उसे मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो फिल्म को जो है मैंने एंजॉय किया बट पार्ट्स में। और ये जो पार्ट्स थे वही पार्ट्स थे जहां पर हमें फिल्म के अंदर एक्शन देखने को मिलता है। देखिए, वैसे मुझे फिल्म के अंदर केवल एक्शन देखना कभी भी पसंद नहीं है, सिर्फ एक्शन के लिए तो मैं कभी भी कोई फिल्म देखता नहीं हूं। पर हां, इस फिल्म के अंदर एक ऐसा एक्शन हमें देखने को मिलता है जिसे मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म का जो एक्शन है वो सही में देखने लायक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और कह सकते हैं कि टॉप क्लास का एक्शन जो है इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलता है। और कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस थी फिल्म के एक्शन को लेकर ट्रेलर को देखने के बाद, उन एक्सपेक्टेशंस को कहीं ना कहीं फिल्म जो है पूरा करने में कामयाब रहती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म के कुछ पॉजिटिव्स के बारे में। तो इस फिल्म का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो है इसका एक्शन। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि फिल्म का एक्शन जो है बहुत ही कमाल का है, और ऐसा एक्शन है कि फिल्म के अंदर आपको काफी सारे एक्शन सीक्वेंसेस, काफी सारे चेस सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा, पर वो इतनी बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ किए गए हैं, इतनी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं कि एक पल के लिए भी इन एक्शन सीक्वेंस के दौरान आप अपनी नजरें जो हैं पर्दे से नहीं हटा पाओगे। बहुत ही कमाल तरीके से इन्हें प्रेजेंट किया गया है, और ये एक्शन सीक्वेंस जो है इंगेजिंग है, थ्रिलिंग है और स्टाइलिश भी नजर आते हैं। चाहे बात करें फिल्म के इंटरवल से पहले आने वाले बाइक चेस सीक्वेंस की, चाहे बात करें इंटरवल के बाद आने वाले बस चेस सीक्वेंस की और बाकी सारे फाइट सीक्वेंस की, हर एक फाइट सीक्वेंस और चेस सीक्वेंस इस फिल्म के अंदर सही में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था। और इन्हें और ज्यादा इंप्रेसिव बनाते हैं दो व्यक्ति। नंबर वन पे आते हैं फिल्म के सिनेमेटोग्राफर नीरव शाह, जिन्होंने कमाल तरीके से इन चीजों को जो है पर्दे पर प्रेजेंट किया है। और नंबर टू पर आते हैं घिबरन, जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। म्यूजिक जो है गाने वगैरह कहा जा रहा है कि युवान शंकर का है, पर बीजीएम जो है यहां पर घिबरन ने दिया है, और वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इस फिल्म का बहुत ही कमाल का है। खास करके वो जो रपापा वाला जो बैकग्राउंड म्यूजिक का वो जो पोर्शन आता है वो तो सही में इतना कमाल का है। और जो अजीत कुमार के कैरेक्टर को वो बीजीएम जिस तरह से एलिवेट करता है ना, वो मास एलिवेशन भी देता है, साथ ही साथ एक क्लासी टच भी देता है, क्योंकि वो बीजीएम देखोगे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो बहुत ही क्लासी नजर आता है। और अजीत कुमार का कैरेक्टर भी देखोगे काफी एक सीरियस कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, उसका मैनरिज्म जो है, बोलने का, बात करने का तरीका जो है, हर एक चीज को वो बीजीएम जो है मैच करता हुआ नजर आता है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है इस फिल्म का मास एलिवेशन तो देता है पर बहुत ही क्लासी भी नजर आता है। तो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो कह सकते हैं कि थोड़ा स्लो बट बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट होता है, जहां पर कहानी के अंदर क्राइम, यूथ और एक फैमिली सेंटिमेंट को यहां पर इंट्रोड्यूस करवाते हुए जिस तरीके से ये जो बाइकर्स की जो गैंग है इनके क्राइम करने के तरीके को, इन पर किस तरीके से इनका ऑपरेशन होता है, हर एक चीज को फिल्म के अंदर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंगेजिंग वे में दिखाया जाता है। और इंटरवल से पहले हमें एक बाइक चेस सीक्वेंस भी देखने को मिलता है, जिसके साथ साथ फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है काफी बेहतरीन, काफी इंगेजिंग, काफी एक थ्रिलिंग फर्स्ट हाफ साबित होता है। पर उसके बाद जैसे ही कहानी सेकेंड हाफ में जाती है, वहां पर भी कहूंगा कि जो एक्शन है, जितना एक्शन देखने को मिलता है वो तो इंप्रेसिव उतना ही है जितना फर्स्ट हाफ के अंदर है, क्योंकि वहां पर भी एक बस चेस सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। बट जैसे ही सेकेंड हाफ में आते हैं, हम वहां पर देखते हैं कि कहानी जो है इस फिल्म की वो बहुत ही साधारण तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। और सेकेंड हाफ में फिल्म की साधारण सी कहानी और बहुत ही स्लो स्क्रीन प्ले कहीं ना कहीं इस फिल्म को कमजोर करने लगता है। डायरेक्टर एच विनोद की इस फिल्म की राइटिंग को अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक एक्शन थ्रिलर के अंदर एक तरीके से एक मैसेज को ऐड करने की कोशिश की है। वो यहां पर यूथ को जो है एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो उनका ये जो आइडिया था मुझे काफी अच्छा लगा। क्लाइमेक्स में काफी एक कुछ इंप्रेसिव डायलॉग्स भी हमें सुनने को मिलते हैं, बट इस मैसेज को देने के लिए, इस मैसेज के इर्द गिर्द जो एक फैमिली ड्रामा हमें यहां पर दिखाया जाता है फिल्म के अंदर, जो कुछ एक फैमिली सेंटिमेंट जो यहां पर क्रिएट किया गया है, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म को कुछ हिस्सों में बोरिंग बना देता है। तो फिल्म की बहुत ही प्रेडिक्टेबल सी कहानी, बोरिंग सेंटिमेंटल सीन्स, और कह सकते हैं कि बहुत ही एक स्लो पेस नरेशन इस फिल्म को खत्म होते होते एक ठीक ठाक सी फिल्म बना जाता है। इसके अलावा फिल्म के अंदर सुनाई देने वाले डायलॉग्स जो हैं वो भी काफी बेहतरीन है। गानों की अगर हम बात करें तो गाने दो ही हैं, अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं वो जो है फिल्म की लेंथ को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स की अगर मैं बात करूं तो क्लाइमैक्स के अंदर वो पंच जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग
नजर आता है, खास करके इसीलिए क्योंकि कार्तिकेय का जो कैरेक्टर है वो कुछ खास तरीके से यहाँ पर लिखा नहीं गया है, पर फिर भी क्लाइमेक्स पोर्शन में थोड़ा सा एक इमोशनल सीन है जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्टिव साबित होता है, तो फिल्म का क्लाइमेक्स जो है डिसेंट है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर कास्ट परफॉर्मेंसेस की, तो सबसे पहले बात करते हैं अजीत कुमार की, तो उनका काम इस फिल्म के अंदर काफी बेहतरीन, काफी इंप्रेसिव है। उनके कैरेक्टर को अगर आप देखोगे तो काफी एक सीरियस कैरेक्टर वो आपको यहाँ पर नजर आता है। एक सुपरस्टार होने के बावजूद भी यहाँ पर उन्हें काफी एक ग्राउंडेड तरीके से प्रेजेंट किया गया है, ऐसा नहीं कि शुरुआत से ही वो किसी एक सुपर हीरो की तरह काम करते हुए नजर आते हैं। काफी एक रियलिस्टिक टच के साथ उनके इस कैरेक्टर को लिखा गया है और उतने ही अच्छी तरीके से अजीत कुमार ने उस कैरेक्टर को पर्दे पर प्रेजेंट भी किया है। उनके डायलॉग डिलीवरी में वो एक ठहराव देखने को मिलता है जो उनके कैरेक्टर को एक अच्छा बेस देता है। और इस फिल्म के अंदर जो बाइक स्टंट्स हमें देखने को मिलते हैं उनमें से भी काफी सारे जगहों पर अजीत कुमार ने जो स्टंट्स हैं वो खुद किए हैं, तो उनकी तारीफ करना तो बनता ही है। उमा कुरैशी के बारे में अगर हम बात करें तो उनका काम फिल्म के अंदर बहुत ही कम है, पर जितना भी समय मिला है उन्होंने अपना काम अच्छी तरीके से किया है। कार्तिकेय के बारे में अगर बात करें तो उनका काम फिल्म के अंदर डिसेंट है, पर उनके कैरेक्टर को अगर और बेटर वे में लिखा जाता, थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में लिखा जाता, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है और स्ट्रॉन्ग तरीके से आ सकती थी। पर उनका कैरेक्टर जो है इस फिल्म के अंदर कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाता है, पर उन्होंने अपने काम को जो है काफी अच्छी तरीके से निभाया है। एच विनोद का डायरेक्शन फिल्म के अंदर अच्छा है, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन कहीं पर बुरा जाता है, काफी चीजों को अच्छी तरीके से उन्होंने हैंडल भी किया है। पर जहां पर प्रॉब्लम आती है वो है इस फिल्म की राइटिंग के अंदर, क्योंकि फिल्म के अंदर एलिमेंट्स काफी सारे थे। अगर आप देखोगे तो क्राइम, यूथ, फैमिली सेंटिमेंट, पुलिस ऑफिसर, एलिमेंट्स काफी सारे हैं, ड्रग्स वगैरह जो चीजें देखने को मिलती हैं, एलिमेंट्स बहुत थे, पर उन्हें कहीं ना कहीं एक साथ 3 घंटे की फिल्म के अंदर इंगेजिंग वे में जिस राइटिंग के साथ प्रेजेंट किया जा सकता था वो राइटिंग जो है कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर मिसिंग नजर आती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो वलीमे एक ऐसी फिल्म है कि अगर आप एक्शन फिल्मों के दीवाने हो और अगर आप एक अच्छा एक्शन देखना चाहते हो ना, तो इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हो। पर कहीं पर भी फिल्म की कहानी, फिल्म के स्क्रीन प्ले से ज्यादा उम्मीदें मत रखिएगा और सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि बोर होने के लिए भी तैयार रहिएगा। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।